मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे 20 अगस्त, और अगस्त भी ख़त्म होने को आ गया। और देखो मौसम बिल्कुल साफ़ है ऑलमोस्ट, ये तो ऐसे ही आते हैं थोड़े थोड़े बादल, बट फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है क्योंकि ठीक से बरसात भी नहीं हुई है। तो कल था रक्षाबंधन और मेरे भाई लोग इधर आए थे, नन्नत आए थे और सानिध्य सारिष्ट की बहनें आई थी, तो बहुत अच्छा रहा। इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई तो थोड़ा बहुत जो किया है वो आपको दिखा भी दिया है। तो आज है स्कूल, तो अभी उठे हैं हम थोड़ी देर पहले 6 बजे के करीब। वही बेसिक अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज प्राणायाम, और अब चलते हैं किचन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे 20 अगस्त, और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। और कल था रक्षाबंधन, आज भी मैं लेट हूँ और मुझे आज भी भाग भाग के जाना पड़ेगा रोज की तरह। ओम गणपते नमः। तो ये आज का वेदर देखो, बहुत धूप है, तेज धूप है। तो मॉनसून ब्रेक में मैंने बच्चों को दिए थे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बच्चे बना के लाए हैं, और इस तरह से बच्चों को समझ भी काफ़ी आता है। और ये दीपांशी ने बनाया है पॉलिनेशन के ऊपर, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और एक्सप्लेनेटरी है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी क्लास हो गई है, अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि ये देखो मेरे बच्चों ने कितने अच्छे मॉडल्स हैं। The next day, welcome back to my channel। आज है 21 अगस्त बुधवार, और मौसम बिल्कुल साफ, हल्के हल्के से बादल हैं। अभी 6:30 का टाइम हुआ है। अब तो दिन भी थोड़े छोटे हो गए हैं, और रात को जल्दी नहीं सोया जाता, कुछ ना कुछ काम निकाल के बैठ जाते हैं, और फिर सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। अगर रात को टाइम से सोए तो सुबह भी जल्दी उठ सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा हल्का सा वार्म अप करूँगी, और उसके बाद करूँगी सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम। कूड़ा लेने के लिए आ गए आज सुबह सुबह ही, तो ये सबसे अच्छा काम हुआ जो ये कूड़ा लेने के लिए लगा दिए यहाँ पे नगर पंचायत वालों ने, नहीं तो बहुत मुश्किल होता था। यहाँ कूड़ा इधर उधर फेंक देते थे लोग, जगह जगह पे कूड़े के ढेर होते थे, पर इतना चेक हो गया है अब कि अब जब से ये कूड़े वाले आए हैं तब से इतना ज़्यादा गंद नहीं दिखता, लेकिन जिनको आदत है वो तो फिर भी फेंक ही देते हैं जगह जगह पे। A few moments later, हो गई हूँ मैं रेडी, अब चलते हैं स्कूल। तो आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरे। 6.5 hours later, स्कूल के बाद हम गए थे किसी ज़रूरी काम से कहीं पे, तो वापस आते वक्त हम दोनों ने ही सोचा कि चलो कॉफ़ी डेट पे जाया जाए, तो हम दोनों ही आ गए यहाँ इस रेस्टोरेंट में। और जो साथ में बैठे हैं वो इस रेस्टोरेंट के ओनर है, और हमने ऑर्डर किया यहाँ पे स्प्रिंग रोल और कॉफ़ी, और बहुत ही अच्छी इनकी प्रेपरेशन है, तो एकदम फ्रेश हो गए। और उसके बाद हम गए घर, और घर पर सानिध्य ने बनाया था केक आदि के लिए। वैसे तो इसका बर्थडे था 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, लेकिन ये यहाँ पे नहीं था तो इसके लिए बनाया इन्होंने केक। लेकिन एक गलती कर दी क्या कि केक को रख दिया फ्रिज में, और उससे ये हार्ड हो गया, और फिर बाद में आइसक्रीम की तरह सबने खाया, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। अनु यहाँ पर रूठ गया है क्योंकि उसको नहीं दिया है अभी। तो इस तरह से सेलिब्रेशन चल रही है यहाँ पर आदि के बर्थडे की। The next day, फ्रेंड्स आज है थर्सडे, रोज इसी वक्त पे मैं थोड़ा बहुत शूट करती हूँ और उसके बाद निकल जाती हूँ स्कूल, और फिर हो जाती हूँ बिजी। दिन कुछ मिला जुला ही है, मौसम बिल्कुल साफ है, गर्मी हो गई है फिर से, और मैं पहुँचने ही वाली हूँ स्कूल। और स्कूल में बच्चे ग्राउंड में आना शुरू हो गया, और हारमोनियम पे जो सॉन्ग बज रहा है उसको सारिष्ट बजा रहा है हारमोनियम पे। The next day, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, और अभी बजे हैं 5, अभी काफ़ी अंधेरा है, वैसे कैमरा में नहीं दिख रहा है,
आज थोड़ी सुबह ठंडी सी है, हल्के हल्के बादल भी है। चिंदा मामा भी अभी आसमान में ही है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे। माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियां दे। और मैं रेडी हो गई हूँ आउटफिट ऑफ द डे, और चलते हैं अब। और अपडेट तो मैं आपको दे नहीं पा रही हूँ कुछ भी, क्योंकि सुबह तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन आने के बाद मुझे लगता है कि आई शेयर करूँ, क्योंकि कुछ खास तो होता नहीं, वही खाना बनाओ, वही रूटीन का ही काम होता है। लेकिन कुछ भी खास होगा, कुछ भी नया होगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्यारे फ्लावर्स खिले हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब आपको भी ले चलते हैं। इट्स गुड। आज नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है और वेबिनार रखा है, जो बच्चों को दिखाना ज़रूरी है। और ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व भरा और शानदार दिन था 23 अगस्त 2023 का, जब चंद्रयान 3 पर सवार होकर विक्रम रोवर जो था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। मैं स्कूल से वापस आई हूँ और थोड़ा थक भी गई हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए आज। आज है नेशनल स्पेस डे और 23 अगस्त है आज के दिन चंद्रयान ने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी मून के ऊपर। तो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हुई थी और बहुत खुशी का दिन था। तो आज हमने सेलिब्रेट किया, ऑनलाइन वेबिनार थे वो अटेंड किए। तो और साथ ही साथ चल रही है टूर्नामेंट्स अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज़ की तैयारियां, तो फिर डांस प्रैक्टिस भी करवाई। तो आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, ऊपर से मेरा फास्ट भी है, और आज है हमारे फास्ट का उद्यापन। तो आज अभी खाना भी बनाना, और बहुत सारे बच्चों को भी हमने बुलाया है डिनर पर। तो जो भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कलयुग का चमत्कारी व्रत है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करना, और हम बहुत सालों से कर रहे हैं, 2010 से हम ये व्रत कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, और हमें बहुत सारे अनुभव भी लिए हैं इस व्रत के करने से। तो हम क्या करते हैं, हर साल 11 या 21 का संकल्प करते हैं, और जब हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं तो हम फिर उद्यापन करते हैं। तो आज हमारा जितना संकल्प था वो कंप्लीट हो गया, और ये हमने बुलाए हैं यहाँ पे बच्चे जितने अवेलेबल हो पाए। बाकी ये 7-8 गर्ल्स हैं, और बाकी जितने भी ये बच्चे हैं और अंजू के बेटे हैं साथ में हमारे अपने, तो वो भी बैठ गए हैं। तो व्रत का उद्यापन बहुत ही आसान है, इसमें खीर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे राजमा खीर और अरबी के जो पत्ते होते हैं उनके पतीड़ या जिनको हम लोग धींदड़े भी बोलते हैं, और उसके पकौड़े हमने बनाए थे, बच्चों को बहुत पसंद है। और बाद में उनको एक एक फ्रूट दक्षिणा और एक एक जो वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा की बुक होती है वो बुक हमने इनको दान में दी। और अभी इनका डिनर हो गया बच्चों का, तो सानिध्य इनको छोड़ने जाएगा इनके घर, जहाँ जहाँ के भी है। वैसे तो पड़ोस के ही बच्चे हैं सारे, लेकिन थोड़े से दूर के भी हैं, तो उनको घर तक छोड़ के आएगा ये। तो ये अभी खुशी खुशी सारे बच्चे अपने घर जा रहे हैं। एक उत्सव का माहौल था, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। The next day. Welcome back to my channel. आज है सैटरडे 24 अगस्त, और अभी सुबह उठी थी मैं 5 बजे, और उस टाइम पे बारिश हो रही थी। आज मौसम ऐसा है, अभी 6:30 हो गया, और मुझे थोड़ी ठंड लगी और मैं वापस हो गई। अभी उठी हूँ, देखो आज मौसम ठंडा ठंडा सा, बाहर हो रही है बारिश, और यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आई थी,
और हमने उनको चावल तो डाले हैं, लेकिन वो वहाँ पे पता नहीं चुग रही है वो दाना की नहीं। और अभी इससे पहले इससे भी ज़्यादा चिड़िया आई थी, बहुत सारी एक साथ, और मैंने पहले कभी नहीं देखा इनको इतने सारे यहाँ आई हूँ। ये देखो कितने सारे हैं। और रोज़ की तरह सारिश लगाए अपने गिटार के साथ, इसको पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। A few moments later. Good morning, friends, and welcome back to my channel. 24th August है आज, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, आज मौसम है थोड़ा सा खराब, तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब चलते हैं स्कूल और मिलते हैं आपको शाम को। और अभी 4 बजे के बाद हम करवा रहे हैं बच्चों से अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट की तैयारियां। तो ये मेरा वीकली अपडेट, आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।